आज के इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कि किस तरीके से आप लोग घर पर बैठे CUET की तैयारी आसानी से कर सकते हैं। और अगर आप लोग पूरा प्रोसेस जानना चाहते हो तो उसके लिए सिर्फ आपको ये वीडियो एंड तक देखनी होगी। बहुत से स्टूडेंट्स का ये मानना है कि अगर वो लोग घर पर तैयारी करेंगे तो वो CUET क्रैक नहीं कर पाएंगे या उसमें टॉप रैंक हासिल नहीं कर पाएंगे, लेकिन ये सबसे बड़ी मिसकंसेप्शन है। और जो स्टूडेंट्स घर पे खुद से तैयारी कर रहे होते हैं उसका मतलब ये है कि वो सेल्फ स्टडी कर रहे होते हैं। और जब कोई भी इंसान सेल्फ स्टडी करता है तो उसका फोकस लेवल बहुत ज़्यादा हाई होता है, जिससे कॉन्सेप्ट को समझने के चांसेस और ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो अगर आपको CUET की तैयारी घर पर करनी है तो सबसे पहले आपको प्लान बनाना होगा कि आपको कौन कौन से रिसोर्सेज से पढ़ना है, और उसके साथ साथ आप लोगों को एक टाइम टेबल भी बना लेना है। तो यहाँ पर टाइम टेबल का रोल सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जब भी आप टाइम टेबल बनाओगे तो आपको पता होगा कि आपको आज क्या करना है, कल क्या करना है। उस तरीके से आपको सब्जेक्ट को भी डिवाइड कर लेना है और ये ध्यान देना है कि आपको किस सब्जेक्ट को हर दिन कितने घंटे देने हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो डोमेन्स की तैयारी तो बहुत ज़्यादा अच्छे से कर लेते हैं, लेकिन जो लैंग्वेज होते हैं उस पर उतना ज़्यादा ध्यान नहीं देती। तो लैंग्वेज के लिए आपको मॉक टेस्ट सॉल्व करने होंगे, उससे ज़्यादा कुछ नहीं करना है। तो इस चीज़ का ध्यान देना और लैंग्वेज के ऊपर भी अपना फोकस रखना। तो CUET के लिए अच्छा टाइम टेबल बनाने से पहले आपको सिलेबस के बारे में भी अच्छे से पता होना चाहिए। तो अगर आपको सिलेबस के बारे में पता नहीं होगा और आप सीधा ही पढ़ने बैठ जाओगे तो उस चीज़ का कोई फायदा नहीं है। उस चीज़ को पढ़ने से क्या फ़ायदा जो आपके एग्ज़ाम में ही नहीं आने वाली है। तो पहले अच्छे से सिलेबस चेक कर लेना कि आपके सिलेबस में क्या क्या आने वाला है, और उसी के अकॉर्डिंग आपको अपना टाइम टेबल प्रिपेयर करना है और अपने कॉन्सेप्ट्स की वीडियोस देखनी है। बहुत सारे स्टूडेंट्स CUET की कोचिंग लेते हैं, लेकिन मेरा मानना है कि उसका इतना ज़्यादा फ़ायदा नहीं है, क्योंकि जो मोस्ट ऑफ द सिलेबस होता है CUET के अंदर वो वही होता है जो आपके बोर्ड्स के अंदर था। तो जो चीज़ आपने सारा साल अपने स्कूल के अंदर पढ़ी है तो उसे दोबारा पढ़ने से, उस पे पैसे वेस्ट करने से कोई फायदा नहीं है। तो ये जो बोर्ड्स के बाद में टाइम बचता है CUET के लिए, उसके लिए सिर्फ आपको अपनी सेल्फ स्टडीज पर फोकस करना है। अगर मैं बात करूँ कि CUET के लिए सबसे बेस्ट बुक्स कौन सी रहती हैं तो वो है आपकी NCERTs। तो उन NCERTs को बिल्कुल अच्छे से पढ़ लेना, और हो सके तो उनके नोट्स भी बना लेना, क्योंकि जब आप लोग कोई चीज़ पढ़ रहे होते हो और साथ ही साथ उसको नोट्स की फॉर्म में लिख लेते हो तो वो चीज़ आपके दिमाग में बिल्कुल अच्छे से बैठ जाती है और लंबे समय तक आपको याद रहती है। और अगर NCERT के अलावा आपको किसी बुक की ज़रूरत है तो वो है MCQs की बुक। बहुत सारी ऐसी बुक्स आती हैं CUET की प्रिपरेशन के लिए जिसमें MCQs बहुत सारे दिए हुए होते हैं, तो बस आपको फिर अपनी बुक शॉप पे जाके ऐसे ही बुक परचेज कर लेनी है। तो अगर आप लोग बुक के पैसे भी नहीं लगाना चाहते तो आप गूगल से या फिर यूट्यूब वीडियो से भी अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हो। और इसके अलावा आपको ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट सॉल्व करनी है, जिससे आपकी प्रिपरेशन बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाए। और आप लोगों को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखना बिल्कुल भी नहीं भूलना है। और बहुत सारे स्टूडेंट्स की ये प्रॉब्लम होती है कि अगर वो घर पर प्रिपेयर भी करने लग जाए ना तो घर पर ऐसा माहौल नहीं होता है, बहुत ज़्यादा शोर शराबा हो रहा होता है, आपको क्या है बिल्कुल शांति नहीं मिलती। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर आप लोग क्या है, अपने आसपास की कोई भी लाइब्रेरी ज्वाइन कर सकते हो, और उसमें अगर आप डेली 8 से 9 घंटे तक उस लाइब्रेरी में पढ़ोगे ना तो आई एम श्योर आप CUET में बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर कर पाओगे। और आप लोगों को CUET के लिए ह्यूमैनिटीज़ के सब्जेक्ट्स का जो सिलेबस है वो इसी चैनल पर मिलेगा, तो उसे चेकआउट ज़रूर कर लेना। और ऐसी ही स्टडीज़ रिलेटेड टिप्स जानने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, और जल्दी से जल्दी आप अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि टाइम अभी बहुत कम बचा है।